हैदराबाद से हारने के बाद बेंगलोर ने बदल दी पूरी प्लेइंग 11। क्या है अपडेट दोस्तों, जानने से पहले यदि आप विराट कोहली को बेहतरीन खिलाड़ी मानते हो तो इस चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ऑल पे सेट कर दें। दोस्तों आईपीएल 2024 के 41वें मैच में रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु की टीम सनराइजर्स हैदराबाद से भिड़ेगी। गुरुवार को खेले जाने वाला ये मैच हैदराबाद के राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम में खेला जाएगा। फिलहाल बेंगलुरु की टीम पॉइंट टेबल में सबसे निचले पायदान पर है। दूसरी ओर सनराइजर्स हैदराबाद की टीम बेहतरीन फॉर्म में है और वह अब तक 8 अंक लेकर तीसरे पायदान पर है, लेकिन इस मैच में 2 अंक कमाकर शीर्ष पायदान हासिल करना चाहेगी। दोनों टीमों के इतिहास की बात करें तो दोनों टीमें आपस में 24 मुकाबले खेले हैं। दोनों टीमों की जीत हार की तुलना करें तो यहां सनराइजर्स हैदराबाद का पलड़ा आरसीबी पर कुछ हद तक भारी है। हैदराबाद ने अब तक आरसीबी से 13 मैच जीते हैं, जबकि आरसीबी 10 मैच ही जीत पाई है। एक मैच बारिश की भेंट चढ़ा है। हैदराबाद की पिच हर बार की तरह बल्लेबाज के लिए फायदेमंद होगी। यहां टॉस जीतकर पहले फील्डिंग करना ही पसंद करेगी। वैसे भी इस पिच पर टीमें चेज करना ही पसंद करती है, क्योंकि यहां की छोटी बाउंड्री सेट लक्ष्य के साथ बल्लेबाज को पारी की पेस तय करने में मदद करती है। यहां ओस का तो रोल संभावत ना के बराबर होगी, लेकिन फिर भी इस मैदान पर टीमों की पहली पसंद टारगेट का पीछा करना ही है। अब चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं बेंगलोर के प्लेइंग 11 की। तो ओपनिंग करने आएंगे विराट कोहली और कप्तान फैफ डुप्लेसिस। और दोस्तों मिडिल ऑर्डर की बात करें तो विल जैक्स, रजत पटीदार और कैमरन ग्रीन। लोअर ऑर्डर की बात करें तो दोस्तों महिपाल लोमरोर और दिनेश कार्तिक। गेंदबाजों की बात करें तो दोस्तों यश दयाल, मोहम्मद सिराज, लॉकी फर्गुसन और अंत में करण शर्मा। ये रही दोस्तों बेंगलुरु की प्लेइंग 11। और दोस्तों आपको क्या लगता है इस मैच में कौन सी टीम 2 अंक हासिल करेगी, कमेंट में जरूर बताएं। चलिए दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं इसी धमाकेदार अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।